पक्षों में हुई मारपीट में सभासद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष सहित सभासदगणों ने गदरपुर थाने में पहुंचकर थाना अध्यक्ष का घेराव कर निष्पक्ष जांच कर मुकदमा खारिज करने की मांग की। इससे पहले कल दर्जनों महिलाओं ने गदरपुर थाने में धरना प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 में विगत कुछ दिन पूर्व एक विवाह समारोह में हुए विवाद पर दर्जनों लोग घायल हुए, जिसमें वार्ड के सभासद द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया गया। तो वहीं दोनों पक्षों में मारपीट के बाद पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाने से हो रही राजनीति के तहत वार्ड के सभासद जुनेद अंसारी पर मुकदमा लिख दिया गया है, जिस पर गदरपुर के नगरपालिका के अध्यक्ष गुलाम गौस व सभासदों द्वारा थाने पहुंचकर थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह से मुकदमे पर निष्पक्ष जांच कर सभासद पर लगे फर्जी मुकदमे को खत्म कर बात कही गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने पालिका अध्यक्ष एवं सभासदों को आश्वासन थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने पालिका अध्यक्ष एवं सभासदों को आश्वासन देते हुए निष्पक्ष जांच किए जाने की बात कहते हुए कहा कि जो व्यक्ति मारपीट में शामिल नहीं है उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा और सही से जांच कर कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। करतारपुर में एक मुकदमा दो पार्टियों के झगड़े में एक क्रॉस केस दर्ज हुआ था, जिसकी शिकायत के चलते जो है कुछ लोग महिलाएं और पुरुष थाने पर धरना प्रदर्शन दिया गया था और उसी क्रम में जो है क्योंकि वो लॉकडाउन का उल्लंघन है और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया तो उसको संयोग दर्ज किया गया। सर कितने पुरुषों और कितने महिलाओं में मुकदमा लिखा गया? ये करीब 25-30 महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। उसके स्थिति है लॉकडाउन में हो सकता है कहीं ना कहीं पुलिस लेट हो जाए कहीं या किसी जरूरी काम से चले जाएं या झगड़े में या कहीं किसी वीआईपी ड्यूटी वगैरह में हो तो हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत लेट हो जाए, तो ये एक मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो सिर्फ